बाबा जी देखिए भैया हमको गेम्स नहीं सिखाते। गेम्स नहीं सिखाते? नहीं। हाँ भाई नहीं सिखाते? सिखाता हूँ बाबा जी। मुझे पता भाई भैया सिखाते होंगे, लेकिन फिर भी मैं भैया को एक बात बोलता हूँ, भैया लाजम सिखाया करो, आपके छोटे बहन भाई हैं, आप जितना इनको सिखाओगे ये आपकी उतनी इज्जत करेंगे। इस तरह की सेम प्रॉब्लम्स हमको ऑफिस में रोज़ाना मिलती हैं, लड़के दूसरे लड़कों को काम नहीं सिखाते, वो ये डरते हैं कि अगर इन्होंने सीख लिया तो शायद हमारी नौकरी खतरे में डल जाएगी, लेकिन ये गलत सोच होती है। तो आप इनको सिखाओगे तो आपकी ज़्यादा इज्जत करेंगे जी, आपसे एक्सपर्ट हो भी जाएंगे तो आपकी इज्जत करेंगे, आप उस्ताद बन जाओगे, ठीक है ना। जितना बंदा सिखाता है उतना इल्म बढ़ता है, चाहे गेम हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं अक्सर लड़कों को ये बोलता होता हूँ कि जितना सिखाओगे उतना आगे बढ़ोगे, अपनी पोजीशन पे किसी को ट्रेन करो और आप अगले लेवल पे चले जाओगे। आप इनको ये गेम सिखाओगे आप उससे बेहतर गेम सीख लोगे, उससे ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाओगे जी बाबा जी, सही है ना। हाँ जी। तो ये छोटी सोच होती है, इंसान को बहुत पीछे रखती है। हमेशा इल्म बांटना चाहिए, इल्म बांटने से बढ़ता है इंसान का और उसकी इज्जत बढ़ती है। और एक ख़ास बात, जब इंसान नहीं सिखाता ना, छुपाता है ना, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे की इज़्ज़त कम होनी शुरू हो जाती है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता इर्द गिर्द, हालांकि उसका तजर्बा भी 10-20 साल का हो चुका होता है। ये हमारे काम में ऐसा होता है, लेकिन लोग उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो छुपाता है, वो देखने नहीं देता। तो आप अपनी स्किल्स को बांटा करो, सिखाया करो, ये आपकी इज्जत करेंगे जी बाबा। ठीक है। हाँ जी, शाबाश।